नमस्कार दोस्तों, आज है 4 मार्च। चलिए देख लेते हैं आज के प्रमुख शैक्षिक समाचार। महिला कार्यकर्ता और कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा संपन्न जयपुर। आरटीई के तहत प्रवेश के लिए 15 मार्च तक आवेदन, 19 को लॉटरी जयपुर। सरकार बच्चों के मानसिक विकास पर 2 साल ध्यान देगी, हर जिले में नवजात के इलाज के लिए अर्ली इंटरवेंशन सेंटर खुलेंगे, नई दिल्ली। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा का मामला, 7 लाख में पास कराने का झांसा, 7 गिरफ्तार जयपुर। बीच सत्र में नहीं हटेंगे व्यावसायिक शिक्षक, स्कूल शिक्षा परिषद ने जून तक बढ़ाई सेवाएं कोटा। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने को लेकर बीएलओ से की मारपीट कोटा। बेरोजगार युवाओं को नहीं मिल रहा भत्ता, अक्षत योजना को बंद करके मुख्यमंत्री युवा सबलन योजना की हुई थी शुरुआत कोटा। आरटीई में आवेदन के लिए केवल मिलेगा 12 दिन का मौका। प्रधानाचार्य और समकक्ष 8 अधिकारियों के तबादले जयपुर। पशुधन सहायक भर्ती में आंसर की मामले में हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब, शाहपुरा। नए शिक्षकों का रिशफल, रिजल्ट में खाली सीटों पर चयन, अब जल्द ही मिलेगी नियुक्ति, प्रतापगढ़। 10वीं में 12वीं की बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों का वितरण आज, अलवर। 2 से 17 मई तक होगी परीक्षाएं, सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल का शेड्यूल जारी, अलवर। आचार संहिता लगने से पहले मंत्री के हाथों बंटवानी थी, इसलिए 140 बेटियों को बिना कागज ही दे दी स्कूटी। विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग में पीएचडी की सीटें शून्य, विद्यार्थियों में तीखा रोष। प्रश्न पत्रों का वितरण अब कल जयपुर। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल प्रथम की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल जयपुर। 2 दिन विशेष अभियान में जोड़े मतदाताओं के नाम, उदयपुर। नया तरीका, कॉपी जांचने वाले शिक्षक को लिखना होगा अपना नाम, उदयपुर। अजमेर में 7,700 बेटियों को मिलेगा मुफ्त शिक्षा, बुक्स कैबिनेट में पड़ेगी। एमएड और बीएड की प्रवेश परीक्षा का जिम्मा आरयू को। आरयू स्नातक परीक्षा केंद्र 50 किलोमीटर दूर तक थे, यूनिवर्सिटी ने 12 बदल दिए। कोटा विश्वविद्यालय के एमएससी जूलॉजी कोर्स में सिर्फ पहले व तीसरे सेमेस्टर में ही पढ़ाएंगे शिक्षक। 1.5 लाख स्टूडेंट ने दी आरएससीईआरटी परीक्षा, आंसर की भी जारी कोटा। स्कूलों में परीक्षा, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की भीड़ जयपुर। अब 5वीं बोर्ड परीक्षा में सिंधी विषय भी शामिल जयपुर। शिक्षा सहायक भर्ती के लिए 5 को जयपुर में देंगे धरना। बैंक और सिम में आधार का प्रयोग कर सकेंगे, नई दिल्ली। जेई मेंस 2 के आवेदन 7 तक, 2 बार आवेदन किया तो दोनों हो जाएंगे कैंसिल, नहीं दे पाएंगे परीक्षा। जीएनएम डिप्लोमा कोर्स बंद करने की तैयारी जयपुर। 6 देशों में ही महिलाओं को पुरुष जितना हक। प्रदेश के युवाओं को मिलेगा सैन्य बलों में भर्ती होने का अवसर, टोटासरा। तीन साल बाद भर्ती की कवायद, फिर भी गड़बड़ियां। संविदा जीएनएम नर्स ग्रेड द्वितीय की वर्ष 2016 में निकाली गई थी भर्तियां, चिकित्सा विभाग। फीस न भरने पर 2 दिन खड़े खड़े दिलवाई परीक्षा। तो ये थे दोस्तों आज के प्रमुख शैक्षिक समाचार। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे।